फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुर्ती की एक खूबसूरत नई डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं नेक के चौड़ाई में 2 इंच रख रही हूँ। नेक लंबाई में 5.5 इंच रख रही हूँ। अब इसके नीचे में 4 इंच में और एक निशान दे दूंगी। अभी इसी निशान को मैं 1.5 इंच में और एक निशान दूंगी। अभी इसकी हाफ में 2 इंच में मैं और एक निशान दे दूंगी और इस निशान को भी मैं 1.5 इंच आगे बढ़ाऊंगी। अभी देखिए, ये निशान से ये निशान को मिला दूंगी। अभी यहाँ से यहाँ मिला दूंगी। अभी नेक के शेप दे दूंगी। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए, अभी इसी शेप को मैं अस्तर पर रख के नेक कटिंग कर लिया हूँ। अभी देखिए, उसी अस्तर के ऊपर मैं नेट कपड़े को इस तरह से रखूँगी। नेट फैब्रिक को मैं उल्टी तरफ करके रखी हूँ और पिन अप कर लूँगी। और अभी इसके चारों तरफ मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अब आप इंची फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी और नेक के चारों तरफ छोटा छोटा कट लगा लूँगी। अभी पलटी करके ऊपर से मैं बैठने वाला स्टिचिंग कर लूँगी। अभी इसकी चारों तरफ मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। अभी मैं नेक में पाइपिंग लगा लूँगी। देखिए, अभी मैं डिज़ाइन के लिए इस तरह से पट्टी कटिंग करके रखी हूँ। इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। तो मैं गोल्डन और पिंक कलर दोनों कलर के पट्टी में इस तरह से कटिंग करके रखी हूँ। तो मैं दोनों कलर की पट्टी को पहले इस तरह से मोड़ के स्टिचिंग कर लूँगी। तो देखिए, स्टिचिंग कर चुकी हूँ गोल्डन और पिंक की। तो अभी इस पट्टियों को मैं एक फेब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी। देखिए, इस तरह से पहले मैं गोल्डन
पट्टियों को मैं स्टिचिंग कर लूँगी एक के बाद एक रख के। फिर अभी दूसरी तरफ पिंक कलर का पट्टी को भी उसी तरह रख के मैं एक के बाद एक रख के मैं स्टिचिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से हम लोग स्टिचिंग करना है। अभी हम लोग डिजाइन बनाएंगे इसी पट्टी का। सबसे पहले मैं देखिए गोल्डन पट्टी को रखी हूँ, उसके ऊपर पिंक कलर का रखी हूँ पट्टी को, फिर गोल्डन को रखी हूँ, फिर गोल्डन का पिंक को उसके ऊपर रखी हूँ गोल्डन के ऊपर। देखिए अभी मैं गोल्डन को नीचे रखी हूँ, इस बार ऊपर रखी हूँ। फिर से मैं गोल्डन को नीचे रखूँगी, देखिए फिर गोल्डन को मैं ऊपर रखूँगी। देखिए अभी फिर गोल्डन को नीचे रखूँगी। इस तरह से पहला लाइन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अभी मैं हम लोग दूसरे लाइन का करेंगे उसी तरह से। देखिए पहले मैं पिंक को नीचे रखी हूँ, गोल्डन को ऊपर रखी हूँ। अभी देखिए पिंक को फिर से नीचे रखी, एक पट्टी को छोड़ के पिंक को नीचे रखी, फिर देखिए एक पट्टी को फिर छोड़ दूँगी। देखिए एक पट्टी को छोड़ के दूसरे पट्टी को फिर, देखिए दूसरे पट्टी को पिंक के ऊपर रखूँगी। देखिए इस तरह से उसी तरह से मैं जैसे पहला लाइन किया हूँ सेकेंड लाइन को भी मैं उसी तरह से करूँगी। देखिए इस तरह से एक के बाद एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, इस तरह से करना है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे दोस्तों, ये कोई हार्ड नहीं है। देखिए हम लोग का सब कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इसको
स्टिचिंग करके लॉक कर देंगे ताकि ना खुले। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग कटिंग कर लेंगे। अभी एक तरफ हम लोग इस तरह से पाइपिंग देके स्टिचिंग कर लेंगे। अभी हम लोग इस डिजाइन को नेक के ऊपर रख के पहले पिनअप कर लेंगे। अच्छी तरह से रखना है, देखिए इस तरह से अच्छी तरह से रख के पिनअप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टिचिंग करेंगे। अब हम लोग पीछे तरफ जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अगले नया वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।